तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्लेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जॉन इब्राहिम की फिल्म पागलपंती का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। फिल्म के कम से कम 25 या 30 पोस्टर अभी दो चार दिन पहले रिलीज हुए थे, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक लग रहे थे। तो पोस्टर देखने के बाद एक उम्मीद थी कि फिल्म के पोस्टर इतने दमदार है तो फिल्म का ट्रेलर तो पोस्टर से कहीं ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन दोस्तों, फाइनली आज ट्रेलर देखने के बाद ट्रेलर से जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उतना ही ज़्यादा इस ट्रेलर ने निराश किया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनीस बज़मी, और अनीस बज़मी जब भी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं तो उन फिल्मों का कॉन्सेप्ट काफी हटके होता है और उनकी फिल्मों के जितने भी कॉमेडी सीन होते हैं काफी यूनिक और काफी लाजवाब रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए पागलपंती के ट्रेलर की, तो पागलपंती के ट्रेलर में कुछ भी नयापन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूरे 3 मिनट के ट्रेलर में एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसे देखकर चेहरे पर हंसी आ जाए। मतलब कि कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर है, वो ट्रेलर देख के पब्लिक को हंसी नहीं आई तो फिर फिल्म देख के क्या हंसी आएगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि अनीस बज़मी की जितनी भी पुरानी फिल्में हैं उन सब का एक मिक्सअप बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वही वेलकम का कॉपीड है। वेलकम में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया था वही का वही इसमें भी चेप दिया। खास करके दोस्तों, फिल्म की स्टोरी कहीं ना कहीं हमें यूं लगता है कि मुबारका, सिंग इज किंग और बाकी अनीस बज़मी की फिल्मों का एक मिक्स है। मतलब कि टोटल घुमा फिरा के देखो तो ट्रेलर पूरी तरह से एवरेज है। हालांकि फिल्म को ट्रेलर को देखते समय कहीं नहीं ये फीलिंग आती कि ये फिल्म अनीस बज़मी की है। कुछ सीन को देखकर यूं लगता है कि फिल्मों में इतनी गाड़ियां उड़ रही है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। मतलब कि स्टार कास्ट में इतने कम से कम एक दर्जन लोग हैं, उसे देखकर यूं फीलिंग आती कि यार गाड़ियां भी उड़ रही है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी है या रोहित शेट्टी, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्मों में बड़े स्टार कास्ट और इतनी गाड़ियां उड़ती है। लेकिन माफ करना, रोहित शेट्टी के बराबर ही शायद ही बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर कर पाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी ट्रेलर में कुछ एक सीन ऐसे हैं जो ठीक ठाक है। पहला सीन तो वो जब जॉन इब्राहिम डायलॉग देते हैं कि बे मतलब वो वाला ठीक है, वो वाला सीन। उसके बाद जो अनिल कपूर वाला है, चंदू के चाचू ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, बोल लिया मैंने, हाँ वो वाला सीन भी ठीक है। हालांकि पुराने डायलॉग को फिर से चेप दिया, लेकिन वो सीन अच्छा है और वहाँ पे थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पे आती है। तो दोस्तों, ओवरऑल ट्रेलर एवरेज है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ट्रेलर भले एवरेज है, फिल्म हमें हंसाएगी और फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। लेकिन अब फिल्म सुपर हिट होगी या सुपर फ्लॉप, वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डेली बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के हर नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।